रेलवे जेई भर्ती परीक्षा 2019 के रिजल्ट का इंतजार करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट आई है। आंसर की कब तक जारी की जाएगी, रिजल्ट कब आएगा और कट ऑफ कितना जाएगा, पूरी जानकारी आप। दोस्तों, अगर आप रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2019 की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए सबसे बेस्ट बुक अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप बुक को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जी दोस्तों, बहुत अच्छी बुक है और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको इसी बुक से देखने को मिलेंगे। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहाँ से आप बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। RRB JEE CBT 1 2019 कट ऑफ। RRB JEE CBT 1 की परीक्षा खत्म होने के बाद अब कट ऑफ कितना जाएगा CBT 1 एग्जाम का, और पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक होने चाहिए तो ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा CBT 2 एग्जाम के लिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है, 22 मई से 2 जून 2019 के बीच में RRB जूनियर इंजीनियर के 13,000 प्लस पदों के लिए CBT 1 परीक्षा का आयोजन कराया गया था और परीक्षा का पहला चरण पूरा हो चुका है और परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों को अब परिणाम का इंतजार है। और परिणाम का इंतजार कर रहे उम्मीदवार यहां जान सकते हैं कि संभावित कट ऑफ कितना जा सकता है। और दोस्तों, प्रथम चरण के कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT 1 के कठिनाई के स्तर के आधार पर ही RRB JEE 2019 ऑनलाइन परीक्षा के कट ऑफ मार्क्स को निर्धारित किया गया है। और RRB JEE प्रथम चरण CBT 2019 के परीक्षा के कट ऑफ के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, परीक्षा में कुल 4 सेक्शन से सवाल पूछे गए थे। इसमें गणित सामान्य, खुफिया और तर्क, सामान्य जागरूकता और सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे गए थे और निगेटिव मार्किंग थी। 3 सवाल गलत करने पर 1 अंक काटा जाने वाला है। और दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं कट ऑफ की, जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है, जो कि एक्सपर्ट ने कट ऑफ बताया है। दोस्तों, 100 अंकों का आपका पेपर था। इसमें जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके अगर 60 से 70 के बीच में अंक आते तो CBT 2 एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC की बात करते तो 55 से 65 और अनुसूचित जाति वर्ग यानी SC कैटेगरी के कैंडिडेट की बात करते तो 45 से 55 अंक और अनुसूचित जनजाति यानी ST कैटेगरी के अगर आप कैंडिडेट तो 40 से 50 के बीच में अगर आपके अंक है तो आप डेफिनेटली सिलेक्टेड किए जाएंगे CBT 2 एग्जाम के लिए। दोस्तों, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मार्क्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज। और दोस्तों, पिछली बार जो LP टेक्नीशियन का रिजल्ट आया था CBT 2 एग्जाम के लिए, उसमें भी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स के आधार पर ही चयनित किया गया था। हो सकता है RRB JEE के एग्जाम में भी जो रिजल्ट है इसमें भी वही प्रक्रिया अवलंबित किया जा सकता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा। दोस्तों, CBT 1 परीक्षा में जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उन्हें CBT 2 एग्जाम देने के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा। दोस्तों, यहां पर हम बात करते हैं आंसर की कब तक जारी की जाएगी। तो दोस्तों, अगस्त के पहले सप्ताह में आपकी आंसर की जारी की जाएगी और आपका जो रिजल्ट है अगस्त के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा एज पर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार। और दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको चेक करें, जहां से आप RRB NTPC की सबसे बेस्ट बुक डाउनलोड कर सकते हैं।